बच्चों नेक्स्ट मैंने क्या बोला, डिपेंड सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब माप के विभिन्न पद्धति क्या क्या हैं। ओके, माप के विभिन्न पद्धतियां, देयर आर फोर सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट विच वी यूज्ड इन दिस वर्ल्ड और इन माई डेली लाइफ। ओके, देयर आर फोर सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट नंबर CGS सिस्टम, CGS सिस्टम को ही क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, C for centimeter, G for gram, and S for second. Centimeter, gram, second system. It is also called French or metric system. इसी को क्या बोलते हैं? French or metric system. In this system, the unit of length is centimeter, unit of mass is gram, and the unit of time is second. CGS means centimeter, gram. सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ मास इज व्हाट, ग्राम, एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, एंड इट इज कॉल्ड फ्रेंच और मीट्रिक सिस्टम। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, F for foot, P for pound, and S for second. It is also called British system. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? British system, British पद्धति. Okay? इस ये जो मापने का जो पद्धति है, इसे क्या कहा जाता है? British पद्धति, British पद्धति. Okay? In this system, the unit of length is foot, and the unit of mass is pound and unit of time is second. Okay? FPS, foot pound second system. हाँ तो बच्चों मैंने दो सिस्टम के बारे में बताया, फर्स्ट क्या था CGS सिस्टम एंड सेकंड FPS सिस्टम एंड द थर्ड सिस्टम इज MKS सिस्टम, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, एंड S फॉर सेकंड, मींस मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इट इज अ फॉर्म ऑफ CGS सिस्टम, ये CGS सिस्टम का एक फॉर्म है। ओके, CGS सिस्टम में क्या होता था, द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ mass is gram and the unit of time is second. Now, and here in MKS system, the unit of mass is meter, the unit of length is, the unit of length is meter, the unit of mass is kilogram, and the unit of time is second. Okay, it is a form of CGS system. In this system, the unit of mass is length, no, the unit of length is meter, the unit of mass is kilogram, and the unit of time is second. And the next system is SI system, SI International System of Units. The full form of SI is International System of Units. Okay, SI units is the abbreviated form of International System of Units. SI units is the abbreviated form of International Systems of Units. It is abbreviated as SI. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को
शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है कहां से एब्रिवेटेड एज एस आई फ्रॉम द फ्रेंच नेम ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स ली सिस्टम इंटरनेशनल ये डी अलग से है डी यूनिट्स ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स दिस सिस्टम इज वाइडली यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड और ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये पूरे संसार में एक सा एक ही जैसा ये यूज किया जाता है जो यूनिट होता है हमेशा पूरे वर्ल्ड में एक समान होगा कहीं अलग नहीं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ओके एंड इससे आगे आप चलेंगे क्या इससे आगे भी कुछ है यूनिट्स द सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये सेवन बेस एसआई यूनिट्स हैं ओके तो नेक्स्ट चलते हैं सेवन बेस एसआई यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो बच्चों एसआई यूनिट्स में बेस एसआई यूनिट्स के बारे में मैंने बोला तो एसआई यूनिट्स में सेवन बेस एसआई यूनिट्स हैं कितने हैं सेवन बेस एसआई यूनिट्स देयर आर सेवन बेस यूनिट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स दीज आर कॉल्ड बेस एसआई यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेवन सात ऐसे यूनिट्स हैं जिनको बेस एसआई यूनिट्स बोला जाता है और वे सात बेस एसआई यूनिट्स कौन-कौन से हैं दीज सेवन बेस एसआई यूनिट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल वे सारे सात जो यूनिट्स हैं बेस एसआई यूनिट्स इनको हम इस टेबल में इस तरह से दिखाए हैं जैसे यहां पे फर्स्ट में इधर क्वांटिटी दिखाए हैं इधर नेम ऑफ द यूनिट्स सिंबल फर्स्ट क्वांटिटी नेम ऑफ द यूनिट्स एंड सिंबल फर्स्ट नंबर में क्या आता है लेंथ लेंथ के लिए क्या यूनिट यूज होता है मीटर और इसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं अल्फाबेट m स्मॉल m एंड सेकंड मास क्वांटिटी क्या है मास उसके लिए यूनिट्स क्या यूज करते हैं किलोग्राम और किलोग्राम का सिंबल क्या होता है kg नेक्स्ट क्वांटिटी इज टाइम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड एंड द सिंबल इज s s फॉर सेकंड एंड द फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट And the unit of electric current is ampere, and it is symbolized as alphabet A, capital A से ampere को denote किया जाता है, represent किया जाता है, ठीक है? Symbolic form में इसको लिखा जाता है। अब next है thermodynamic temperature, the unit of thermodynamic temperature is Kelvin in SI system. ओके या जितना भी बात कर रहे हैं वो एसआई सिस्टम के अंतर्गत कर रहे हैं एसआई सिस्टम के अंदर में ये सेवन बेस एसआई यूनिट्स आ रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक टेंपरेचर का जो यूनिट होता है केल्विन और इसका सिंबल के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल एंड इसका सिंबल होगा एम ओ एल स्मॉल में स्मॉल अल्फाबेट लिखना है एम ओ एल मोल एंड द लास्ट बेस एसआई यूनिट्स इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी लास्ट क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला एंड कैंडेला इज सिंबलाइज्ड एज सी डी कैपिटल सी स्मॉल डी ओके सी डी यहां तक आपके क्या हो गए सेवन बेस एसआई यूनिट्स कितने हैं बेस एसआई यूनिट्स सेवन व्हाट आर दे ये यूनिट्स हैं लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट थर्मोडायनेमिक टेंपरेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी ओके अब इसके अलावा भी दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ओके सेवन बेस एसआई यूनिट्स के अलावा भी कितने और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं दो हैं ठीक है यूनिट्स फॉर सॉलिड एंगल एंड यूनिट्स फॉर प्लेन एंगल
ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी कंप्लीट कर ही देते हैं। ये दो कंप्लीट हो जाएगा तो आपका डिफेंस सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स यहां आज कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों 7 बेस एसआई यूनिट्स हो गए हैं, और 7 बेस एसआई यूनिट्स के अलावा भी दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं एसआई के, एसआई यूनिट्स के दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, और वे दो सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स क्या-क्या हैं? यूनिट्स फॉर प्लेन एंगल एंड यूनिट्स फॉर सॉलिड एंगल। ओके, तो इसको कैसे इसको देखते हैं। बिसाइड्स द 7 फंडामेंटल यूनिट्स, टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर डिफाइंड। 7 बेस एसआई यूनिट्स के अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिफाइन किया गया है, और वे क्या-क्या हैं? दे आर फॉर प्लेन एंगल एंड फॉर सॉलिड एंगल। दे आर फॉर प्लेन एंगल एंड फॉर सॉलिड एंगल। द यूनिट फॉर प्लेन एंगल इज रेडियन। क्या होता है प्लेन एंगल के लिए? रेडियन विद द सिंबल आर ए डी, स्मॉल आर A D, the unit for plane angle is radian and the symbol is R A D, and the unit for the solid angle is extra radian. Extra radian. Solid angle के लिए क्या बोल रहे हैं? Extra radian. Extra radian with the symbol S R. इसका सॉलिड एंगल के लिए जो एक्स्ट्रा रेडियन यूज करते हैं जो यूनिट, और उसका सिंबल होता है एस आर। ओके, तो यहां तक आपका क्या कंप्लीट हो गया? 7 बेस एसआई यूनिट्स कंप्लीट होंगे और सप्लीमेंट्री यूनिट्स कंप्लीट होंगे। तो मैंने क्या-क्या डील किया? सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन किया, फिर ड्रैग यूनिट्स को डिफाइन किया, तब फिर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट को डिफाइन किया। फर्स्ट में क्या ये डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट में क्या-क्या डिफाइन किया कि किसके किसके बारे में बताया? तो फर्स्ट क्या था? सीजीएस सिस्टम मींस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम क्या था? इसमें द सिस्टम इन व्हिच द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, एंड द यूनिट ऑफ सेकंड इज सेकंड, that is known as CGS